पुर अमन मुहर्रम दे इख्तिताम उते अमन कमेटी लाहौर वालों इकट्ठ दा आर कीता गया जिदे विच दा याने अमन मजहबी स्कॉलरां समाज सेवकां सने पुलिस दे अफसरां वी रलत कीती ते आख्या के अमन किसे भी समाज दे वधा लई मुढली लोड़ है। गलबात करन वालियां दा आखणा सी कि अमन कमेटी ने फिरका वारियत ते नफरत नूं भाईचारे विच बदलन दी जिहड़ी सोच नूं फरोग दित्ता है उहदे पारों अज साडे मुआशरे विच अमन ते सुकून है। उस टीम का हिस्सा है जिन्होंने मुल्क के अंदर अमन व सलामती के इस्तेमाल के लिए बहुत काम किया और अपना वक्त दिया और अपने घर को भी कुर्बान किया और अपने मामला को भी कुर्बान किया ताकि अमन व अमान की बका को कायम रखा जा सके। सर, इन लोगों ने सब ने मिलजुल के हर एक चीज में पार्टिसिपेट बड़े अच्छे तरीके से किया है, जैसा कि पिछला अभी मुहर्रम के याम गुजरे हैं, हर एक चीज हर एक जगह पे जहाँ पे भी कोई फ्लैश पॉइंट था उस जगह रातों को 3-3 बजे तक ये खुद वहाँ पे हम सारे मौजूद रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिसकी वजह से कोई माहौल खराब हो। अल्लाह के फजल से ये बड़ा पुराना चला चलता जो कारवां है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक कामयाब हो चुका है कि सिर्फ दैनिक मसालक ही नहीं बल्कि अब तो बैनल मुजाहब रवादारियों की भी मिसालें कायम हो चुकी हैं। तो अल्लाह ताला सब की मेहनत कोशिश कबूल फरमाए। रही बात जेहलम हो उस हो या फिर 6 सितंबर वाली हो अपने नबूवत कॉन्फ्रेंस हो कोई भी इवेंट हो, कल वहाँ डीसी साहब की मीटिंग में भी मैंने यही अल्फाज कहे थे कि मसलके अहले हदीस की तरफ से इंशाअल्लाह किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। सैयदुल शहदा ने हमेशा इस उस वक्त भी जब ये हालात थे तो सैयदुल शहदा ने हक की बात की और मशीन कादमी ने कहा था हुसैन रब का, हुसैन सब का, हुसैन जग का। हमारे सैयदुल शहदा का ये अयाम इंशाअल्लाह बाबा हमारे जो हमारे बुनियादी तौर पर जो उससे मुबारक है दादा साहब का भी ये भी खानदान लड़ी सैयद से जाके मिलती है, यानी सबके जो ग्रॉस रूट से लेकर और ऊपर जाए तो ये पेंशन पार के साथ ही मजबूत होती है। हाँ भी बड़ी पुराना दौर है, मुश्किल से मुश्किल दौर है, बड़े हौसले और सकूनों और अदम और जज्ब के साथ और जज्बरदार के जन्म के जज्बे के साथ चलते हैं। कहीं भी लिहाजा नहीं कोई इंतजामिया किसी हवाले से हमें कुछ कह तो हम वो कोशिश करते हैं कि ना कि पसंद उसकी बात को मान लिया है। आज जो हालात है उस हालात में हमें जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर पहले तो उन्होंने मस्जिद बनाकर आप उसको आगे तक ले गए हैं, उस हवाले से मैं समझता हूँ हमें करदार अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। दुश्मन तो चाहता है कि हम लड़े और पाकिस्तान के अंदर फितना फसाद मचाए, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे दुश्मन की जो चाले हैं उनको नाकाम बनाने के लिए अपने अंदर इत्तेहाद और यकजहती की फिजा पैदा करें। जो जो छोटी छोटी रुकावटें थी उन रुकावटों को हमने दूर करना है। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी का मकसद ये है कि रसूल के माप से किसी ने पूछा या रसूल खुदा हमें ये बताएं कि इबादत के लिए सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है, तो मुस्कुरा के कहा मौत से एक दिन पहले। तो वो शख्स मुस्कुराया और उसने कहा कि या रसूलुल्लाह ये कैसे मालूम हो कि मौत से एक दिन पहले? फरमाते इबादत ये सोच के किया करो आज आखिरी दिन है। जिस मिशन की अमन की शमा इस घर से जली थी और दाता की नगरी को अमन की सूरत में रोशन करती रही, उसके बेटे अम्मार ने साबित कर दिया है कि जिस घर से अमन की शमा रोशन हुई थी वो आज भी मिंबराने अमन कमेटी के वजूद से उसी तरह फरोजा है। और जहां तक ताल्लुक है अय्याम मुहर्रम का, रिजवी साहब ये जिंदगी खुशी और गम दोनों के मजमूए का नाम है, जहां आपके ताया जी रिटायर्ड सेशन जज सैयद इजाज हुसैन शाह साहब जिनके दोस्तों के हुक्म पर जामे बैतुल कुरान में उनके लिए कुरान खानी का एहतमाम भी हुआ और मस्जिद सैयदा फातिमा ज़हरा के सैकड़ों नमाजियों ने खुतबा जुमा में उनके लिए बाई नेम दुआ भी की। मैं डीआईजी साहब का और जैसे बाकी मर्द मुजाहिद को सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी बीमारी की परवाह किए बगैर दिन रात एक करके
इन्होंने मुहर्रम में खुसूसन उन्होंने अमन के हवाले से कोने कोने में खुद भी गए हैं, जहां पे ट्रबल पॉइंट था वहां खुद भी गए हैं और अपनी अमन की टीम को भी वहां पे पहुंचा के मामला को हल करवाए। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये सब सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और हम सब में सबसे जो जरूरतमंद चीजें वो है इत्तेहाद। अगर हम लोग सब इकट्ठे हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत जो है वो हमें नहीं जिता सकती। सदर डिवीजन के तमाम तर इलाकों जो क्रूशल हालात थे 2012 के अंदर, जिसमें जिया बग्गा सरफरिश्त है और चूंकि मामला तो 2010 में हुए, उनकी वफात के बाद भी हमने बहुत भरपूर कोशिशें की, हमारे नकवी साहब की नुमाइंदगी में हमने हत्तल बसा कोशिश की, जिसमें सैयद आरफ हुसैन गिलानी साहब भी हम वक्त मौजूद होते रहे और वो जब 3 मुहर्रम को करबला जाते तो वो हमें कह के जाते तमाम अपने सीनियर अफसरान से कि जी आरफ गिलानी साहब और आगा अली शेर और बाकी इनकी जो टीम है वो यहाँ पे काम करेगी। जनाब डीआईजी साहब, हमने हत्तल वसा अपनी तमाम तर कोशिशें रजाकाराना तौर पे सैयद अजमल नकवी की नुमाइंदगी के अंदर जो है अपनी अमन के क्याम के लिए बर्बेकार लाई और क्याम अमन के लिए पूरे लाहौर के अंदर आज उसका मुंह बोलता सबूत अमार नकवी साहब है। जुलूस हो या दादा साहब का उर्स हो या 6 अगस्त को हाजी साहब का जबूर जी में जलसा हो या मैचेस हो, ये इंशाल्लाह आप इनसे बखूबी जबरदस्त मां होंगे। और मैं अभी आपके आने से पहले रोटी साहब फरमा रहे थे और बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे, एक वक्त था जब हमने अमन कमेटी बनाई थी तो हम एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, एक दूसरे के साथ पानी खाना पीना छोड़ा हुआ, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह शीर शक्कर और एक मैं बरादराने अहले तशरीह से कहता हूं कहता हूं कि जरा सोचें कि खुदा का कितना एहसान है आप पे और मौला इमाम हुसैन का इजाज है कि मातम आप करें, पुलिस सारी सुन्नी 99% आपकी हिफाजत करती है, फौज सारी सुन्नी हिफाजत करती है, उलमाए किराम सारे सुन्नी आपकी हिफाजत करते हैं, ताजराम सारे सुन्नी आपकी हिफाजत करते हैं, तो हमें क्यों शिकवा है कि सुन्नी इमाम हुसैन का शोक नहीं मनाते? उनकी ड्यूटी ये है कि हमारी हिफाजत करें और आपकी ड्यूटी है कि मालूम करें। डीआई साहब ने मुझे अमार भाई को, राणा मनार साहब को, अली नदी साहब को और तमाम अमन कमेटी को बताए तो उन्होंने लफ्ज़ तो वही थे कि कासमी साहब इन मसलों को आपने हल करना है, लेकिन उन अल्फाज के साथ जो लहजा था, जब भी कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही होती थी, समझ रहे थे यार कि मसला हल नहीं हो सकता, तो वो लहजा मेरे दिमाग में घूमता था कि जिस प्यार मोहब्बत खलूस और चाहत के साथ वो लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किए थे कि ये मसला हल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके उसी खलूस मोहब्बत और चाहत का नतीजा है कि इस दफ़ा का मुहर्रम अल हराम एक मिसाली मुहर्रम अल हराम हुआ। इस मौके उत्ते उचेचे परौणिया डीआईजी सैयद अली नासर रिजवी, एसएसपी सिक्योरिटी तौकीर नईम, एसपी सिटी सुलेमान जफर ते एसपी सदर सिदरा खां और अमन कमेटी दियां कोशिशां दी सराहना कीती ते आख्या के आने वाली नस्लां साथों पुर अमन मुआशरा चाहदियां ने जिथे कानून दी हुक्मरानी होवे। ये सब जो है अमन कमेटी के मेंबरान, जितनी भी लोकल लीडरशिप है और खासकर हमारे जो डीआईजी साहब हैं उनकी पर्सनल सुपरविजन, उनकी गाइडेंस और अंत तक मेहनत की वजह से जो है ये मुबारक महीना जो है इतने ऐसन तरीके से गुजरा है और ये मेरे ख्याल में ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि मुहर्रम अगर हो तो इंशाल्लाह इस तरह की कोऑर्डिनेशन और मोहब्बत के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ गुजरा जाए। थैंक यू वेरी मच, इन आप सब के बगैर इम्पॉसिबल था एंड ऑल्सो एक सीनियर्स के लिए जिन्होंने मुझे समझा कि मैं इस काबिल हूँ। मुझे देख के लगता है मैं थोड़ी बेनाइन सी हूँ, इतनी हूँ नहीं, तो कासमी साहब कहते हैं मैडम आप गुस्सा भी करती हैं, मुझे उम्मीद नहीं था आपको देख के लगता है कि आप बड़ी सख्त होंगी नहीं, लेकिन सब सीनियर्स का आईजी साहब, सीसीपीओ साहब एंड स्पेशली डीआईजी साहब हु ट्रस्टेड मी विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई कैन डू इट, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते अगर कोई सीनियर इंटरवेंशन आए तो मुझे लगता है आई हैव फेल्ड एज अ सुपरवाइजरी ऑफिसर, आई डू माई ओन थिंग्स। सबसे पहले मैं अमन कमेटी के तमाम अहदेदारान को, और अगर मैं सही लफ्ज बोलूं तो मेरा हमेशा से दिल करता है कि मैं अहदेदारान की जगह मैं कहूं कि अमन कमेटी के तमाम अफसरान को,
क्योंकि हकीकत में जो अफसरी है वो जचती इन अमन कमेटी के अफसरों पे ही है। इन अमन कमेटी के अफसरान को, अंजमन ताजरान के अहदेदारान को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस के जो हमारे जितने भी भाई हैं, दोस्त हैं, उनको जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो मीडिया के ज़रिए हमें देख रहे हैं और जो यहाँ मौजूद ना हो के भी मौजूद हैं और ऊपर से हमें देख रहे हैं, उन सब की खिदमत में बड़ा ही अदब के साथ, बड़ा ही खलूस के साथ और बड़ा ही प्यार के साथ सलाम पेश करता हूँ। मैं मुकर्रम नकवी साहब का, अमार नकवी का, हुसैन नकवी का, नकवी बरादरान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज की ये मुतबर्रिक, आज की ये नौरानी और आज की ये मुकद्दस महफिल को उन्होंने बरपा किया, यहाँ पर इकट्ठा किया और हमें मौका दिया कि हम सब इकट्ठे हों। इकट्ठ दा आर अमन कमेटी लाहौर दे मेंबर अमार नकवी ते मारूफ समाज सेवक सैयद मुकर्रम नकवी ने कीता। कैमरामैन गजनफर बोदला ते अली कैसर के नाल रिजवान असगर बट भुलेखा टीवी लाहौर।